हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हेल्थ से रिलेटेड। तो गाइज, आप कम टाइम में अपना अधिक से अधिक वेट कैसे कम कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, चलो स्टार्ट। तो गाइज, वेट लॉस करने के लिए आपको मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए चाहिए मुट्ठी भर अजवाइन और 4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 3 चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 छोटे आकार के नींबू और 4 से 5 चम्मच अदरक का रस। तो गाइज, इन सबको आपको अच्छे से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद और 1 लीटर पानी, तो ग्राइंड करने के बाद आपको इसमें नींबू का रस मिला के मॉर्निंग में ये ड्रिंक पी लेनी। तो गाइज, आपको इसको कब लेना है? आपको इसको सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले लेना है। और ध्यान रहे, प्रेग्नेंट और ब्लड प्रेशर वाले इसका सेवन ना करें। बाकी और लोग इसका सेवन आराम से कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो गाइज, इस आती है तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कंप्लीट 8 घंटे की नींद। तो गाइज, से तनाव भी दूर होता है और चापाचाई भी हमारा अच्छा रहता है और बढ़ता है, उससे ठीक रहता है। तो आप नींद कंप्लीट लीजिएगा। तो गाइज, कई लोगों का मानना है कि मॉर्निंग में नाश्ते के साथ जूस पीना हेल्दी रहता है, पर जूस पीना वास्तव में हेल्दी नहीं है। उसमें फ्रुक्टोज होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जूस की जगह आप पानी का सेवन कीजिएगा, वो भी खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद, तब ही आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि जूस में शुगर की मात्रा काफ़ी रहती है जो हमारे पेट की चर्बी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप जूस को अवॉइड कीजिएगा। शुगर वाली चीज़ें लीवर में वसा की मात्रा को बढ़ाती है, लीवर हमारा फैटी हो जाता है, इसलिए आप शुगर वाली चीज़ें अवॉइड कीजिएगा गाइज। क्योंकि अगर आप चीनी की जगह गुड़ या मिश्री का सेवन करेंगे तो चलेगा। चीनी जितनी हमारी स्किन, चीनी को हम स्किन पर लगा सकते हैं, बट हम जितना उसका यूज खाने में करते हैं, उसको बॉडी के अंदर हम चीनी का उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल रहती है। इसलिए चीनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट हम उसे खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। क्योंकि वो वेट को, काफ़ी वेट गेन करती है चीनी, तो इसलिए आप चीनी को अवॉइड कीजिएगा। और साथ में गाइज, आप मॉर्निंग की शुरुआत कॉफ़ी से या चाय से करते हैं तो उसे ग्रीन टी में बदलिएगा। क्योंकि ग्रीन टी में काफ़ी मात्रा में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैफी गैलोकेटेचिन होता है, EGCG दोनों होता है, जो हमारे वेट को कम करने में सहायक होता है। तो गाइज, आज से आप कॉफ़ी और चाय की जगह ग्रीन टी पीना शुरू कीजिएगा अगर आपको वेट कम करना है तो। नहीं तो नॉर्मली आप जो रूटीन अभी तक फॉलो करते आए हैं वो कीजिएगा। नेक्स्ट है गाइज, आप प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ब्रेकफास्ट करें। क्योंकि प्रोटीन और फाइबर वेट को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप मूंग की दाल में काफ़ी सारे मात्रा में प्रोटीन होता है, आप उसका सेवन कीजिएगा। और गाइज, आप हल्की एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये नहीं कि पसीना बहा के ही हम वेट को कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम ऐसी अपने नॉर्मल जो हमारा रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन, जो पूरा डे का रूटीन है, उसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन ला के भी काफ़ी वेट कम कर सकते हैं गाइज। इसलिए आप अपने खाने के रूटीन को बैलेंस करके चले, खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाइए, क्योंकि चबा चबा कर खाएंगे तो वो आसानी से जाएगा। और गाइस, सुबह जब आप उठते हैं तो हड़बड़ी में मत उठिए, क्योंकि हड़बड़ी में हम उठते हैं जिससे हमारा हार्मोनल कोर्टिसोल होता है, तो हमें तनाव महसूस होता है, इससे भी हमारा वेट गेन होता है। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम आप आराम से उठिएगा, पर हड़बड़ी मत कीजिएगा। ये नहीं कह रही मैं 8 बजे उठिएगा, बट टाइम से उठिए, पर हड़बड़ी में मत उठिए।
तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।